जय हिंद दोस्तों, आज आपने थंबनेल देखा होगा अपने इस वीडियो का, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएल सर आप लोगों को पढ़ाने से पहले देखो खुद कैसे पढ़ते हैं। तो अभी मैं मेरी पढ़ाई जब मैं कर रहा हूँ, तो पढ़ाई करते समय ये एक मेरे छोटा सा वीडियो बनाना इसलिए उचित समझा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को ये बिलीव होना चाहिए, अपने माइंड में होना चाहिए कि रियल में ही जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो चीज मैं खुद मेरे लिए तैयार कर रहा हूँ वही चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो अभी करवा रहा हूँ वो कर रहे हैं हमारा राजस्थान क्लास सात की, इसके अंदर हम चल रहे हैं अभी हमारी बुक के अंदर, जिसके अंदर छह की क्लास की जो बुक है उसका मैंने आपको छह क्लास करवा दी, लेकिन कुछ टाइम के रीजन के कारण से मैं आपको बाकी क्लास अभी नहीं करवा पाया। उसके बाद में दो तीन दिन से नेट भी बंद है, तो इस कारण से भी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो अभी मेरी वो क्लास बुक कंप्लीट हो गई है छह की, और अभी मेरे साथ की चल रही है, लेकिन आपको मैं मेरे साथ में लेकर चल रहा हूँ, कोशिश करूंगा साथ में लेकर चलूं। तो वही चीज है जो मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ, और पढ़ के मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है कि हमारे एग्जाम के अंदर ये चीज आ सकती है, चाहे वो एग्जाम आपका कोई भी हो, राजस्थान का किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे आपका सीईटी हो, चाहे इसके बाद में सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, इसके अलावा चाहे इंडिया लेवल पे भी अगर कोई भी यहाँ से हमारा अगर इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है या कोई भी लाइन है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो बन सकता है, वो हम यहाँ से सारा का सारा मैं अपनी इस नोटबुक के अंदर तैयार करते जाता हूँ। जो अभी देखो मैंने यहाँ से शुरू किया है, ये क्लास छः से लेके मैंने इस सात क्लास तक के अध्याय छः तक के मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, और ये आप देख रहे हैं कि कैसे मैं बिल्कुल शॉर्ट से नोट्स तैयार कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत ही मतलब गहन नोट्स हैं, गहन लाइनें हैं, यहाँ पे एक एक लाइन के अंदर आपका एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। और आपने देखा होगा कि जब हम जो क्लासें कर रहे थे उन क्लासों के अंदर, छह क्लास मैंने पढ़ाई, उसमें कम से कम आपका जो लाइब्रेरियन का पेपर है इसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू पूछे गए थे। तो ये है मेरा पढ़ने का तरीका जो मैं मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, और आप लोगों को भी मैं बताता हूँ कि इसी तरीके से पढ़े, बुक से पढ़े। एक ही बुक को आप 1000 बार पढ़े, न कि 1000 बुक को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 1000 बार आप पढ़ना प्रिफेयर करें। आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं, उसके बाद में अगर आप बुक में नोट्स नहीं बनाना चाहें तो आप बुक्स के अंदर भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, आप दोबारा रिविजन के समय आप वही देखिए। तो ये है सिस्टम जो मेरे पढ़ने का तरीका, जो मेरे नोट्स बनाने का तरीका, मेरी बुक्स वगैरह मैं आपको सब दिखा देता हूँ एक बार। ये पूरा अपना सेटअप है जो आप देख लीजिए, ये सारी बुक्स हैं जिनसे पढ़ के मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे पहुँचने की कोशिश जारी है, और आप लोगों को भी मैं इन्हीं बुक्स से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग गुमराह हों, आपको वही चीज़ वही सटीक जानकारी मैं देना पसंद करता हूँ जो मेरे लिए मैं खुद अपने आप के लिए लेना चाहूँ या अपने आप के लिए कंफर्टेबल महसूस करूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया, आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर आप कैसे पढ़ते हैं, आप खुद हमें बताइए पढ़ने का तरीका, आप कैसे नोट्स बना रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं। नोट्स का भी देख लीजिए तरीका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए बुक से। ये देखो सारे के सारे मैंने ऐसे बना रखे हैं, जो हमारा राजस्थान है इसके अंदर मैंने कम्प्लीटली ये ले रखा है, जो इम्पोर्टेंट लाइन टू लाइन लिख रखा है। इसके बाद में ये पूरा हो गया हमारा, इसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक विस्तार वगैरह यानी कि फिजिकल डेफिनेशन के अंदर जितने भी आते हैं, उसके बाद में ये सीमाएं वगैरह, महाकाव्यकालीन राजस्थान, मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, जो मैंने आप लोगों को कराया है सेम वही चीज़ है। जैसे ये वागड़ है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों को क्यूज में देता हूँ, वो भी क्वेश्चन यहीं से देता हूँ। तो आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, उसके बाद में मैं जो क्यूज देता हूँ वो भी करें, क्योंकि वो इन्हीं क्वेश्चन यहीं से टॉपिक से मैं आपके क्वेश्चन तैयार करता हूँ। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि कांठल किस प्रदेश को बोला जाता है, तो ये देखो कांठल प्रतापगढ़, हमारा मालवा झालावाड़, ये सारे जो एक एक लाइन टू लाइन है मैं आपको यहीं से तैयार करता हूँ। आपके एग्जाम के अंदर भी काफ़ी सारे आते हैं। ये देखो गटियाला अभिलेख, अभी आपके लाइब्रेरियन के अंदर पूछा था, यही क्वेश्चन है जो आपके लाइब्रेरियन के अंदर आया था। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे गए थे आपके, मैं आपको और बता दूंगा, जितने मुझे क्वेश्चन याद रहे उतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे।
बालाथल, गणेश्वर, ये नॉर्मल फेमिलाइजेशन है हमारी क्लास 6 और 7 का। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम डीपली तैयारी करते जाएंगे। ये हमारे जो आपके दक्षिण पूर्व के पठार वगैरह, इनके बारे में भी पूछे थे। अरावली पूछा था कि अरावली कौन सा, ये देखो अरावली का प्रदेश है, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर आया था कि अरावली है वो सबसे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, ये यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछा था। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल अपने परिवार बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के अंदर हमेशा। और आप लोग मेरे साथ मिलकर ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करेंगे और सफल जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।